नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे onlyayurved.com के इस YouTube वीडियो में। दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको नए नए अपडेट्स का पता लगता रहेगा। दोस्तों लाइक और शेयर भी जरूर करें, जिससे कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपका जो मित्रगण है, वो भी इन वीडियो से लाभ ले सकेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का टॉपिक। दोस्तों आयुर्वेद में अनेक रोगों को काढ़ा देकर सही करने पर बल दिया जाता है, और अगर काढ़ा बनाने की सही विधि पता हो तो ये काफी फायदेमंद है। लेकिन अगर विधि पता ना हो तो काढ़ा फायदे की जगह नुकसान भी दे सकता है। जैसे कि काढ़ा अगर ठंडा हो जाए या शीतल हो जाए और इसको फिर से गर्म कर लिया जाए तो ये विष के समान हो जाता है। ऐसे ही कुछ नियम हैं काढ़े के बारे में, तो वही दोस्तों जान लेते हैं इसे कैसे बनाना है, क्या इसकी विधि है। तो काढ़ा बनाने की जो सही विधि है वो इस तरह से है। 4 ग्राम दवा को 64 ग्राम पानी में डालकर हल्की अग्नि पर उठाएं। उठाते समय काढ़े के बर्तन को ढकना नहीं चाहिए, ढकने से काढ़ा भारी हो जाता है। जब 8 ग्राम पानी शेष रह जाए तो उतारकर छान लें, मतलब जितनी दवा हो उससे 16 गुना जल का काढ़ा पकाएं। आधा चौथाई एवं 8वां भाग जैसा रखना हो वैसा रखें। किस काढ़े में कितना जल रखना है ये जानने के लिए अलग से इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, वो आप हमारी वेबसाइट onlyayurved.com पर जाकर के देख सकते हैं डिटेल में। और काढ़ा बनाते समय बर्तन का चुनाव भी काफी महत्वपूर्ण है। काढ़ा लोहे के, मिट्टी के या फिर कलईदार बर्तन में बनाना चाहिए। कलईदार बर्तन वो होता है जैसे कांस्य या तांबे का बर्तन, जिसे इस्तेमाल करने से पहले कली करवा ली जाती है, इसे कलईदार बर्तन कहा जाता है। तो बर्तन का चुनाव काढ़ा बनाते समय बेहद महत्वपूर्ण होता है। और काढ़ा बनाते समय कुछ सावधानियां होती हैं कि बनाते हुए काढ़े को बीच बीच में छेड़ना नहीं है और ना ही किसी बर्तन वगैरह से उसको हिलाना है। और काढ़ा पीने में सावधानी बरतनी चाहिए कि पाचन काढ़ा रात को, शमन काढ़ा दोपहर पहले, दीपन दोपहर के बाद, संतर्पण और शोधन सवेरे ही प्रभात में देना उचित होता है। काढ़े के प्रकार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, आपको डिटेल मिल जाएगी। और जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि दोबारा गर्म किया हुआ काढ़ा आपने कभी भी नहीं पीना है, वो तो विष के समान है। और काढ़े में किसी किस्म की मिलावट नहीं होनी चाहिए, जो सामग्री मिलाई जा रही है वो शुद्ध होनी चाहिए, इस चीज का भी ख्याल रखें। बीमार रोगी को जब वात, पित्त, कफ, रस, रक्त के संचय से हुआ बुखार जब अच्छी तरह से पक जाए तभी काढ़ा देना चाहिए। तो दोस्तों आप इन बातों का ध्यान रखें, और इस बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट onlyayurved.com पर विजिट करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिल जाएगी। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें काढ़ा बनाते टाइम और सेवन करते टाइम। और आपके कोई क्वेरीज हैं या फीडबैक्स हैं, कमेंट्स हैं, वो भी हमारे साथ शेयर करें।